उधम सिंह नगर के खटीमा पालिका क्षेत्र के भूड़ मोहलिया पॉलिटेक्निक रोड के निर्माण की मांग को लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने स्थानीय निवासी रुम्माना नकवी पड़वाल और कुसुम जोशी के नेतृत्व में जुलूस निकाल तहसील में जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर सड़क निर्माण की मांग को लेकर तहसील में प्रदर्शन कर रहे राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्रों ने कहा कि बीते भूड़ इलाके में पॉलिटेक्निक सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में है। कई बार सड़क निर्माण की शासन प्रशासन से मांग किए बावजूद भी आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके चलते उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछले 3 साल से मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खटीमा में पढ़ रहा हूँ। मैंने इस रोड की हालत बहुत बेकार देखी है और सर यहाँ पे इतने अच्छे तमाम नेता देखे, जैसे धामी जी हमारे सीएम हो गए, यहाँ पे और विधायक भी हैं सर, टुकड़ों में रोड बनाई जा रही है। मेरे पास सर गाड़ी है तब भी मैं गाड़ी से नहीं आ रहा हूँ यहाँ सर, कैसे कैसे आ रहा हूँ मुझे पता है। यहाँ बच्चे सर नाली में घुस जा रहे हैं वहाँ पे, ये रोड कब बनेगी सर, ये चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से, शासन प्रशासन? बहुत बार सर हमने जैसे मीडिया में भी इस पे पहले भी कहा, पर रोड नहीं बनी। 100 मीटर बनती है, 50 मीटर बनती है, ऐसी रह जाती है और बरसात में सर यहाँ आ नहीं पाते हैं बच्चे सही। पोली सड़क निर्माण निवासी रुमाना नकवी पड़वाल ने कहा कि भूड़ महोलिया पॉलिटेक्निक रोड का निर्माण को लेकर पूर्व में भी उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र बिष्ट को ज्ञापन सौंपा था, जिस पर वार्ड वासियों का 1 सप्ताह में सड़क निर्माण का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इस सब के बावजूद सड़क निर्माण नहीं हो सका। हमने हर जगह दे चुके, हम धामी जीत को भी, हमने सीएम साहब आए थे यहाँ पे, उनको भी प्रपोजल खुद बनवा के दिया है, ये भी नहीं कि उन लोगों के ऊपर छोड़ा है, ये काम हमने किया है जो उनका काम था, पर कुछ भी नहीं। अभी 5 सड़कें अभी मैंने न्यूज पढ़ी थी धामी जी ने बंडिया की और उनकी करी है। भूड़ में स्टूडेंट रहते हैं, हम लोग रहते हैं, हम भी तो इंसान है, किसी की उस पर नहीं जू ही नहीं रिंग रही है। यहाँ पे इनको एसडीएम साहब के पास हर 8वें दिन आते हैं, सिर्फ आश्वासन मिलता है हर जगह से और कुछ भी नहीं मिलता हमें। कोई ऐसा उन्होंने हमें ये दिया ही नहीं कि हम कहीं से कहीं शुरुआत करें, कहाँ से करें, कैसे रहें उस रोड पर। इतनी कई बार न्यूज में भी निकल चुका है, रोड भी दिख चुकी, गिर रहे हैं स्टूडेंट को, कितनी परेशानी है। हम लोगों को एस्टीमेट बना के दे रखा है, सब कुछ दे दिया। अब उसमें बताइए, हमारे रमजान चल रहे हैं, उसमें आके यहाँ हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो और क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपकी मांग को निरंतर करता रहा नहीं तो फिर हम आंदोलन करेंगे, फिर हम धरना देंगे और जो फिर हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे, क्योंकि हमें रोड चाहिए। हम टैक्स पे ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम टैक्स नहीं देते हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, यहाँ का हम पूरा टैक्स भरते हैं, ईमानदारी से भरते हैं, तो हमें रोड पानी बिजली सब कुछ चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।